और चलिए अब जोधपुर आपको लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जोधपुर दौरा आज होने वाला है। थोड़ी देर में जोधपुर से एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम भजनलाल। एयरपोर्ट पर बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता स्वागत करेंगे, जोधपुर क्लस्टर के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। मेडिकल कॉलेज सभागार में 4 लोकसभा सीटों को लेकर जीत का देंगे मूल मंत्र। और जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही के कार्यकर्ताओं की बैठक है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद रहेंगे। जोधपुर के बाद उदयपुर के दौरे पर भी जाने वाले हैं सीएम भजनलाल। 2 बजे दोपहर करीब उदयपुर में क्लस्टर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने वाले हैं। शाम 4 बजे उदयपुर से फिर से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज का कार्यक्रम प्रस्तावित है जोधपुर, उदयपुर, सीएम का दौरा। और इस दौरे के दरमियान कुछ बैठकें हैं, कुछ मंथन है, कुछ मूल मंत्र देने वाले हैं। चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है और बड़ा चुनाव है, और इसी को लेकर लगातार पार्टियां अब अपना दमखम दिखा रही है। और इसी को लेकर लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र भी देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक है और आपको बता दें कि ये तमाम वो जगह है जहां पर सीएम का कार्यक्रम प्रस्तावित है। दोपहर 2 बजे करीब उदयपुर में क्लस्टर कार्यकर्ता की बैठक लेने वाले हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव को मद्देनजर आज ये 2 जगह दौरा है सीएम का और उसको लेकर ये कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।